नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर छत के निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर, जी हां, तीन दोस्तों को लेकर बेहद बुरी खबर। जी आपको बता दें कि अभी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से निकलकर आ रही है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में उरापक्कम रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को तीन दिव्यांग बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेश, रवि, मंजुनाथ के रूप में हुई है। सुरेश और रवि बोल नहीं सकते थे, वहीं रवि सुन नहीं सकता था। तीनों ट्रैक पार कर रहे थे तभी ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटनास्थल पर रेलवे और पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया है कि मामले में केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की तमिलनाडु से निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बुरी खबर है। अभी की तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक ट्रेन के सामने तीन दोस्तों को लेकर बेहद बुरी खबर।